आज हम बनाएंगे मटर पनीर, जो खाने में बेहद ही टेस्टी लगता है। इसके सिंपल और आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये गैस ऑन करेंगे और उस पर मैं एक पैन रखती हूँ, उसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून ऑयल और मैं इसमें पनीर डालूँगी, जैसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा पनीर फ्राई कर देने में इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, वो बहुत ही अच्छा लगने लगता है फ्राई होने में। सारे पनीर पूरे के पूरे मैं इसमें डाल दूंगी और इन्हें हल्का फ्राई होने दूंगी। ये एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए, और दूसरी तरफ से भी इन्हें पलट देंगे और फ्राई होने देंगे। पूरे पनीर फ्राई हो चुके हैं, हो रहे हैं, सब तरफ से इन्हें हल्का सा फ्राई करना है, जिससे फ्राई हो जाने से इनका स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा और ये मटर के साथ बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरीके से निकालना है कि जो ऑयल है वो साथ में ना आए, पूरा नीचे उसी पैन में रह जाए। ये पूरे इसी तरह से निकालने हैं हमें। ये पूरी तरह से सब फ्राई हो चुके हैं, मैंने इन्हें बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसी जो हमारे पास ऑयल पैन में रह गया है, इसी ऑयल में हम प्याज लहसुन अदरक जो मैंने रफली चॉप किए वो डाल देंगे और इन्हें मिक्स करते हुए जैसा चलाएंगे और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह से फ्राई करेंगे। फ्लेम है उसे मीडियम हाई रखेंगे और एक बार फिर से इसको चलाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है पूरा मसाला। अब हम इसे मिक्सी की जार में डालेंगे। और ऐसे निकालेंगे कि जो थोड़ा सा भी ऑयल है उसमें वो उसी पैन में ही रह जाए, मसाले के साथ ना जाए, ऐसा निकालना है इसे। ये ऑयल उसी पैन में रह जाए, इस तरीके से हम निकालेंगे। अब मिक्सी के जार में ही हम 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे और इसे मिक्सी में पीसेंगे। ये हमारा मसाला पीस के तैयार हो गया है। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। गैस ऑन कर दी है मैंने, अब इसमें पैन रखेंगे और उसमें फिर से 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग, 1/2 टेबल स्पून जीरा और इन्हें अच्छी तरह से भूनेंगे और अच्छी तरह से चला देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से कुक हो जाए। और फिर इसमें ही हमने जो मसाला रखा हुआ है बनाकर वो डाल देंगे, पिसा हुआ मसाला है जो वो डाल देंगे। और अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि जीरा पूरे मसाले, जीरा और हींग पूरे मसाले में मिक्स हो जाए।
गैस की फ्लेम को मीडियम हाई ही रहने देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चलाएंगे। और जैसे ही ये पूरी तरह से भुनना शुरू होता है जैसे ही, तो इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल जो सेपरेट हो रहा है। अब इसमें 1 टेबल स्पून में नमक डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं, आप कम या ज़्यादा जैसा भी आप खाते हैं वैसा डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। और फिर अच्छी तरह से चलाते हुए फिर भूनेंगे इसको, जिससे कि नमक पूरे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये हमारा मसाला पूरी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। और अब हम गैस को फिर से ऑन कर रहे हैं, क्योंकि हमने बीच में गैस बंद कर दी थी। अब हम इसमें हमारा जो मसाला है वो बन के तैयार हो गया है। अब इसमें मटर डाल देंगे, हरी वाली मटर है जो, वो डाल देंगे। फिर इसे मिक्स करेंगे मसाले में। ये पूरी तरह मिक्स हो जाएगा, ये पूरा हमने मिक्स कर दिया है। और थोड़ी देर से कुक होने देंगे, फिर हम इसमें ये पानी डाल देंगे। और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी बनानी है, ग्रेवी भी इसकी थोड़ी थिक चाहिए है। तो पानी डाल दिया हमने इसमें, और अब ये मुझे थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा है, अब इसमें पानी और जाएगा। हम इसमें फिर से पानी डालेंगे, चलाते हुए फिर से पानी डाल देंगे हम इसमें। ये अभी भी थोड़ा और थिक है, थोड़ा पानी और जाएगा अभी इसमें। पहले अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, फिर थोड़ा सा पानी और डालते हैं। थोड़ा और थिक है अभी, क्योंकि हमें मटर भी पकाने हैं तो थोड़ा पानी डालना होगा। अब ये पूरी तरह से मिक्स हो गई है, पूरा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये हमारी ग्रेवी बन चुकी है। अब इसे हम बॉईल होने देंगे, जैसे ये थोड़ी और थिक हो जाएगी और इसका जो अच्छा टेस्ट है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा बॉईल होने में। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर एक उबाल आने देंगे इसमें। अब ये फिर से हम इसे चलाएंगे। मटर हमारी जो है अच्छी तरह से पक गई है, इसलिए वो पूरी ऊपर दिख रही है। और ऑयल भी थोड़ा थोड़ा सेपरेट होने लगा है इसमें। फिर से एक बार ढक के फिर पकाएंगे इसको। ये देखिए पूरी तरह पक चुकी है हमारी ग्रेवी और अच्छी तरह से कलर आ गया। 1 टेबल स्पून जो गरम मसाला हमने बचाया था वो डाल दिया है। हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला लिया था, 1/2 टेबल स्पून हम पहले डाल चुके हैं और अब 1 टेबल स्पून अब डाला हमने। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा उबलने देंगे इसको। अब इसके बाद जब उबल जाएगा तब हम इसमें डालेंगे पनीर। ये पनीर डाल देते हैं इसमें हम। और हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, ये इस तरीके से, जिसमें मटर और ग्रेवी के साथ पनीर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर से हम ढककर 1 या 2 मिनट और पकाएंगे। जिससे कि जो ग्रेवी है वो पनीर में अच्छी तरह से लग जाए। और ये देखिए हमारा मटर पनीर बन के तैयार है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है, इसका मतलब है कि हमारी ये ग्रेवी जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी लगेगी। है ना आसान तरीका, कितना बढ़िया और
सिंपल और आसान तरीका है घर पे मटर पनीर बनाने का, एकदम होटल जैसा। ये हमारी ग्रेवी बनके मटर पनीर और ये उसकी ग्रेवी पूरा कंप्लीट बनके तैयार है, मतलब मटर पनीर पूरा हमारा बन चुका है। अब इसे हम ढक देंगे और इसे सर्व करने के लिए एक बाउल लेंगे हम। इसे धनिया के साथ थोड़ा सा सजाएंगे और गर्मा गर्म मटर पनीर सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया और टेस्टी दिखने वाली हमारी मटर पनीर बन के तैयार है। इसमें थोड़ी थोड़ी धनिया डालकर हम सर्व करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।